हम खबर आपको दें का हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रेंजर्स तानियात करने का फैसला कर लिया है। ये भी फैसला किया गया है कि मुजाहरीन को किसी सूरत जेलम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जेहलम पुल पर रेंजर्स भी तानियात कर दी गई है। वजीर आजम की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि मजहबी जमात को किसी सूरत इस्लामाबाद नहीं पहुँचने देंगे। फवाद चौधरी का कहना है किसी माई के लाल में रियासत को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। वजीर आजम ने कारकुन TLP का हर मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है। लाहौर से पिंडी बरास्ता जेलम ट्रैक ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। GT रोड की बंदिश से ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम, शहरियों को आमदोरफ़त में शदीद दुश्वारी। हज़ारों ट्रक भी बंदिश की वजह से ट्रैफिक में फंस गए हैं। जी नाज़रीन, हुकूमत का दावा है कि TLP तंजीम की तरफ से शदीद फायरिंग से पुलिस वाले शहीद हुए हैं, बल्कि ऐसा नहीं, TLP वाले तो नमू से रसालत की खातर निकले हैं, बल्कि बेदर्दी से इनको शहीद किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत ये नहीं जानती कि एक ज्याले को शहीद करेंगे तो कई और ज्याले, बल्कि बेदर्दी से इनको ही शहीद किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत ये नहीं जानती कि एक ज्याले को शहीद करेंगे तो कई और ज्याले नमू से रसालत के लिए निकलेंगे। हुकूमत इस वक्त बेहिस हो चुकी है। अपने ही मुसलमान भाइयों को शहीद करके भी इनके सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। सहाफत एक रसूलुल्लाह पेशा है। सहाफ़ी हजरात को हक और सच की आवाज़ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवानी होगी। क्या मालूम किस वक्त जान निकल जाए, मगर आखरत में गर्दन तो शर्म से ना चुकी हो। सबसे बड़ा जालम वो है जो जुल्म करने वाले का साथ देता है। जिन लोगों के पास हथियार नहीं, वो कैसे किसी को कैसे कत्ल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है जो हुकूमत मासूम लोगों के साथ कर रही है। हुकूमत इस वक्त बेहिस हो चुकी है। बाबा जान का फरमान है, पुलिस वाले बच्चे ने कोई बंदा पुलिस वाले ना मारे, वो गोली मार दे, गोली खाओ थी ने। ओ भाई एजेंसी वाले मार रहे हैं, आप लोग नहीं मारना, किसी पुलिस वाले को नहीं मारना है। हम पुरतशद्दद लोग नहीं है। एजेंसी वाले मार रहे हैं उनको भी पकड़ो, जो मार रहे हैं उसको भी पकड़ो। किसी पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया था ये हमारे बच्चे हैं, हमारी मंजिल आगे है। खबरदार, किसी एक पुलिस वाले की वजह से मिशन को यहाँ रोक दिया। हमारी मंजिल, हमारा मुकाबला आलम कुफर से है। ये हमारे बच्चे हैं, किसी ने नहीं मारना इनको। और खुदा का